बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंडरी बायोलॉजी बुक नंबर 2 में ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम से ये आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। सो इसके अंदर आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, एक तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में आपको दो किडनी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वन इज़ ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब ये राइट हैंड साइड होगी किडनी और ये लेफ्ट हैंड साइड है, सही। सो दो पेयर ऑफ किडनीज हैं, किडनी के साथ आपको यूरिटर नज़र आ रहा है, यूरिटर के नीचे ब्लेडर है, सही। सो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का अगर हम सिंगल लाइन में डेफिनेशन करना चाहें ना, सही, तो इसमें क्या करना होता है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। इन्होंने क्या बनाना है जी, यूरिन, और यूरिन के लिए ना जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए दैट इज किडनी, ठीक है। और हम इससे पहले पढ़ चुके हैं किडनी मजीद किन चीज़ों से बना होता है, यानी स्मॉल जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन, ठीक है। यानी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है जो कि असेंबल होते हैं किडनी के अंदर, सही। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होती तो है, लेकिन कहाँ से होती है, बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है, ऑफ ब्लड, ठीक है। सिर्फ फिल्ट्रेशन नहीं होती, बल्कि इसके अंदर एक प्रोसेस और हम पढ़ेंगे, एक तो होता है फिल्ट्रेशन, सही, और एक चीज़ जो हम इसमें न्यू चीज़ पढ़ेंगे दैट इज सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, सही। कि यानी इसने फिल्ट्रेशन करना है ब्लड का और फिर रीअब्सॉर्प्शन भी करना होता है, सही। अभी आपको मे बी ये टर्म समझना है, लेकिन जो जो हम आगे पढ़ेंगे तो बेसिकली हमने इन्हीं तीन चार पॉइंट्स पे फोकस करना है। सबसे पहले ये कि ह्यूमन यूरिन सिस्टम का काम क्या है, ठीक है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब यूरिन में क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये आपको वैसे भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। बॉडी से बाहर जाएगा बेसिकली, इसके अंदर क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, सही। और दूसरा किडनी, इसके अंदर किडनी किससे बना होगा, नेफ्रॉन से, और फिर इसने काम क्या कर रहा था, बेसिकली दो बेसिक फंक्शन, इसका फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड और उसका सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन करेगा, सही। अब हम इन्हीं चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब सबसे पहले हम किडनी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो किडनी में आपको नजर आ रहा होगा कि जो ब्लड लेके आएंगे किडनी की तरफ दैट इज रीनल आर्टरी, यानी ब्लड इस तरह इंटर होगा दैट इज रीनल आर्टरी, और जो ब्लड यहाँ से वापस लेके जाएगी वो रीनल वेन कहलाएगी, ठीक है, यानी रीनल आर्टरी, और दूसरी हो जाएगी रीनल वेन, और ये आपको बाहर का इसका आपको स्मूथ सरफेस नजर आ रही है, ठीक है। जब हम इसे अंदर से कट करेंगे तो आपको इस तरह की शेप नजर आएगी, ठीक है। हम जब इसका क्रॉस सेक्शन कह लेंगे, व्यू लेंगे, तो इसके अंदर आपको रीनल आर्टरीज जो कि अंदर फैली हुई है आपको हर जगह नजर आ रही है, ठीक, और फिर रीनल वेन इन्हीं से निकल जाते, रीनल वेन का यहाँ पे इमेज आया हुआ, ठीक है। और फिर इसमें दो रीजन होते हैं, एक जो बाहर का रीजन है, ठीक है, मैं चले यहाँ पे इसे लेबल कर देता हूँ, इस तरह मतलब जो ब्लड कैपिलरीज का ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, एक ये अंदर का हिस्सा बन जाएगा, सही। सो जो बाहर वाला हिस्सा है ये कॉर्टेक्स कहलाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, सही, और जो अंदर वैसे डायग्राम को वैसे थोड़ा बड़ा कर लेना चाहिए, चल, खैर, जो बाहर वाला वो कॉर्टेक्स कहलाएगा, अंदर वाला मेडुला कहलाएगा, ठीक है। अलग से देखता हूँ, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, सही, ये रीनल आर्टरी होगी जो कि ब्लड लेके आएगी, ये जो सा स्ट्रक्चर है, ये जो बड़ा सा बनता है, इसे हम पेल्विस कहते हैं, नाउन एज सॉरी पेल्विस, ठीक है। ये बड़े सी डक्ट बनेगी जो यूरिन को यहाँ से इकट्ठा करेगी और नीचे यूरिटर की तरफ ले जाएगी, ठीक है। सो अब हम इसी किडनी में रहते हैं, यानी किडनी के अंदर बेसिकली क्या चीज होती है जो वर्क कर रही होती है, डेट इज नेफ्रॉन, ठीक है। ये जब कह लेंगे जो किडनी है, इसका जो फंक्शन यूनिट है वो नेफ्रॉन है। अब हम देखते हैं नेफ्रॉन किस जगह पे है, सही, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर भी साथ साथ हम चेक करते हैं। इसके लिए नेक्स्ट डायग्राम पे आ जाते हैं, वहाँ पे आपको क्लियर नजर आ जाएगा सारा कुछ, सही। अब ये नेफ्रॉन है, यानी किडनी में से एक छोटा सा हिस्सा निकाला है इन्होंने, सो हम थोड़ा सा जूम कर दें, सही, अब आपको क्लियर नजर आएगा। मसलन ये किडनी है, किडनी में से उन्होंने थोड़ा सा पोर्शन, यानी एक छोटा सा यूनिट निकाला है, अब ये नेफ्रॉन है, सही। इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, मसलन थोड़ा सा हम ये कहते हैं, सही, तो ये जो मैं जिसको हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा, ये चीज़, ये सारा नेफ्रॉन का पार्ट है, सही। इसके अंदर
आपको सबसे पहले ग्लोमेरुलस नजर आएगा जिसके अंदर एक कैपिलरीज फंसी हुई है, सही। फिर उसके गिर्द कैप्सूल है ट्यूब की शक्ल में, कह रहे हैं ये देख रहे हैं, ये जो सा क्रॉस सेक्शन किया है इन्होंने, ये सिंपल कप शेप कैप्सूल जो सा रीनल कैप्सूल होता है वो नजर आ रहा है आपको, सही। ग्लोमेरुलस के बाद ये ट्यूब स्टार्ट हो रही है, ये ट्यूब जो होती है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं, ठीक है, इन्हें ट्यूब्यूल। फिर ये बीच में एकदम यू शेप कह रहे स्ट्रक्चर आएगा, इसे नेफ्रॉन लूप कहते हैं या इसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं, लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, हेनले में ये लूप ऑफ HENLA, ठीक है, लूप ऑफ, हाँ यही स्पेलिंग है, हाँ बिल्कुल यही स्पेलिंग, लूप ऑफ हेनले हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे अगर हम देखें ना, थोड़ा डिटेल इस तरफ दी हुई है, मतलब ये थिन असेंडिंग लिंब है और ये फिर असेंडिंग है और ये सारी असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग लिंब नजर आ रही है आपको, ठीक है। शुरू में थिक होती है, ऐसे से थिन होती है, फिर वैसे आप वापस चले जाते हैं, तो ये लूप ऑफ हेनले का स्ट्रक्चर। उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आएंगी और ये फिर कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगी, ये लास्ट में क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। चलो हम इसका स्ट्रक्चर खुद से बनाते हैं, मसलन अब हम खुद से किस तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले तो बूमेन्स कैप्सूल बनाएंगे हम, लाइक दिस बूमेन कैप्सूल, कप शेप कैप्सूल होता है। ये बूमेन कैप्सूल बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, सही, तो कप शेप होगा। फिर उसके बाद ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स हैं, इसके अंदर कन्वलियंस होती हैं, कन्वलियंस मुराद मरोड़ थ्रोड़ पड़े होंगे इसी तरह, ये आपको फील हो रहा है, सही, इस तरह। फिर उसके बाद थोड़े बहुत कन्वलियंस के बाद इसमें लूप ऑफ हेनले आ जाएगी, ठीक है, या इसे नेफ्रॉन लूप भी कहा जाता है बहुत का, ये नेफ्रॉन लूप है, नेफ्रॉन लूप नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाएगी इस तरह, ये वापस, और उसके बाद फिर अगेन इसके अंदर कन्वर्जन आ जाएंगे ये, इस तरह के कन्वर्जन होंगे, और फिर आपको नजर आ रहा होगा लाइक कलेक्टिंग डक्ट आ गया, सही। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, सही, इस तरह और भी काफी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स में। अच्छा अब इसको लेबल करते हैं, मतलब ये जो है ग्लोमेरुलस होगा, सॉरी ये बूमेन कैप्सूल होगा, बूमेन कैप्सूल, और फिर जो पहली ट्यूब्यूल जो बूमेन कैप्सूल स्टार्ट होगी, इसे हम प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड, कन्वोलेटेड से क्या मुराद है, नहीं इनके अंदर मोर थ्रोड होते हैं, सही। सो प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, सही। फिर ये लूप ऑफ हेनले है, इसके अंदर ये कह लेंगे डिसेंडिंग है, शुरू में डिसेंडिंग से मुराद ऊपर से नीचे आ रही है, सही, और ये असेंडिंग है, ठीक है जी, ये होगी जी असेंडिंग, और ये दोनों किस कैटेगरी में आएंगे, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले HEN। लूप ऑफ हेनले आ जाएगी जिसमें डिसेंडिंग शुरू में और फिर असेंडिंग, और फिर आप ये जो बाद में स्टार्ट होगी इसे हम डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स कहेंगे, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, सही, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल कन्वोलेटेड की ट्यूब ट्यूब जोन सा है वो जिस चीज में एंटर होगी वो होगा कलेक्टिंग डक्ट, लास्ट में क्या पार्ट आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट, सही। बूमेन्स कैप्सूल, फिर उसके बाद प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, और फिर इसमें डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, और फिर लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा अब मैं, हम पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी कि बेसिकली जो कह लें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ था प्लेन एरिया से, या फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या कहते हैं अर्थवॉर्म, फिर काकरोच, सो उसके अंदर सारों के अंदर आपको ट्यूब्यूल्स नजर आ रही थी, तो ये वही बेसिक ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे भी वही ट्यूब्यूल्स है, लेकिन ये एक ऑर्गन के अंदर फिट है, जिस तरह अगर हम उसकी सॉरी काकरोच क्या गया, अगर हम अर्थवॉर्म की एग्जाम्पल लें जो पीछे पढ़ चुके हैं हम, तो उसके अंदर क्या था, ट्यूब्यूल्स पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई थी, ठीक है, इसमें ये किडनी के अंदर मौजूद रहेंगी, और जो ब्लड सप्लाई है वो आती है यहाँ पे, इनका ना यू नेटवर्क सा बन जाएगा अंदर आके, ब्रांचेस कैपिलरीज बन जाती हैं,
ठीक है, तो ये जो रेड रेड है इट विल बी ग्लोमेरुलस, ये क्या हो जाएगा ग्लो मैरुलस, सही। और ये जो आर्टरी ब्लड लेके आ रही है इसे हम कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल। और जो ब्लड वापस लेके जाएगी, ठीक है, ये ब्लड का पाथ है, जो ब्लड वापस लेके जाएगी इसे हम इफरेंट आर्टरियोल कहते हैं, ठीक है। अब जो इफरेंट आर्टरियोल है ये कहीं बाहर नहीं जाती बल्कि इसी तरह इनके ये लिपट जाती है, आपको नजर आ रहा है, सही। ये अब आर्टरीज इनके गिर लिपटी हुई है, सही, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये इस तरह ये आर्टरीज इनके गिर लिपट जाती है, कैपलरीज होती हैं, आर्टरीज नहीं होती, कैपलरीज हैं ये जो कि आपको इनके गिर नजर आ रही है इस तरह, ये इस तरह ये इसके गिर लिपटी होंगे, सही। सो ग्लोमेरुलस, ये स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है इसमें अगेन, ग्लोमेरुलस। सो कितने पार्ट्स हो गए इसमें, हमने जो पहले स्ट्रक्चर बनाया था उसमें बोमेंस कैप्सूल, फिर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आ गए, फिर लूपो फैनले थर्ड वन, और फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स चौथा पार्ट, फिर ये पांचवा कलेक्टिंग डक्ट में चला गया। और जो मेन ब्लड सप्लाई लेके आ रही है वो एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल है, जो कि बोमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस बनाती है, क्या बनाएंगी ग्लोमेरुलस, छठा पार्ट हो गया, सही। सो यही चीजें हमने यहाँ पे भी पढ़ी हैं, सही। सो ये बोमन कैप्सूल है, ठीक है, जो आपको पेल कलर में नजर आ रहा है, और इसके अंदर जो ये आर्टरीज हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलस कहलाएंगी, सही। और फिर उसके बाद ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्टार्ट होंगी, फिर लूपो फैनले पे चला जाएगा, लूपो फैनले से वापस जो सी है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाएंगे, ठीक। और जो इसमें ब्लड लेके आएगी उसे हम, यानी ये ब्लड जो अंदर लेके आ रही है इसे हम कहेंगे एफरेंट आर्टरियोल, और जो ब्लड इससे बाहर लेके जाएगी वो इफरेंट आर्टरियोल, सही। अब होता है क्या है, इसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि इस डायग्राम को जरा छोटी कर देते हैं, ओके। एक तो भाई हमने बना लिया, इसका स्ट्रक्चर समझ लिया है, सो अब इस डायग्राम को समझने के लिए मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ उसमें। ओके, ये होगी जी डायग्राम हमारे पास। सो स्टेप्स अब हम साथ पढ़ते हैं कि जी स्टेप्स क्या होते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप ये होता है ब्लड इंटर्स, ठीक है, कि ब्लड जो सा होगा वो इंटर करेगा इन बोमेन, या बोमेन नहीं कहेंगे, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। इन सबसे पहले ब्लड एफरेंट आर्टरियोल से जो सा है वो कहाँ पे एंटर होगा, यानी ये फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे, कि ब्लड जो सा एफरेंट आर्टरियोल से वो ग्लोमेरुलस में एंटर होगा, ठीक है, इंटर इन ग्लोमेरुलस, सही। फिर जब एक दफा ब्लड इंटर होगा ना, सो इसमें से अब मैं यहाँ पे चले हैं पेल कलर का कहता हूँ, सही, ये कुछ सब्सटेंसेस जो से वो फिल्टर होके बूमेन कैप्सूल के अंदर इंटर हो जाएंगे, सही। और ये फिर इस ट्यूब्स के अंदर दौड़ेगा, ठीक है, यानी दौड़े से मरा देने, इसके अंदर ये मूव करता रहेगा, ये फिल्ट्रेट जोन है, सही। यानी यहाँ पे क्या हमें मिलेगा, फिल्ट्रेट। सेकंड स्टेप में क्या होगा हमारे पास, यानी प्रेशर फिल्ट्रेशन होगी। प्रेशर फिल्ट्रेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है, सही, यानी अगर हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, सॉरी, ब्लड प्रेशर होता है यार। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो ब्लड है इसके अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, सही, ब्लड के अंदर क्या होगा प्रेशर होगा, जिसकी वजह से जो सब फ्लूड है ना वो एकदम प्रेशर की वजह से एंटर होगा किसके अंदर, वूमेन कैप्सूल के अंदर। सो प्रेशर फिल्ट्रेट, इसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर फिल्ट्रेट विल इंटर इनटू वूमेन कैप्सूल, ठीक है, कि वो वूमेन कैप्सूल के अंदर एंटर होगा, ठीक है। यानी फर्स्ट स्टेप में क्या है कि एफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेके आएगी, इफरेंट वापस लेके जाएगी, सही। और जो बीच में ग्लोमेरुलस होगा उसमें ब्लड प्रेशर की वजह से कुछ फिल्ट्रेट कह लें, कि फिल्टर होने के बाद वो वुमेन्स कैप्सूल के अंदर इंटर हो जाएगा, सही, इसे हम प्रेशर फिल्ट्रेट कहते हैं। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, सही, यानी फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में यहीं पे लिखने की कोशिश करता हूँ डायग्राम के साथ। सो ये जो फिल्ट्रेट बना था, यानी ये उसके ये कलर जो है, ठीक है, ये कलर किसके लिए है, फिल्ट्रेट के लिए, चीजें आप। सो जो फिल्ट्रेट बना था, ये फिल्ट्रेट जोन सा है वो आगे कह लें कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जाएगा, ठीक है। फिर
यानी फिल्ट्रेट विल एंटर, यहाँ पे मैं लिखूंगा थर्स्ट है, फिल्ट्रेट विल एंटर प्रोक्सिमल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ओके विल एंटर इन प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, यानी जो फिल्ट्रेट रिसीव होगा कहाँ से, बुमेन सॉरी ग्लोमेरुलस से, जो इस नेफ्रॉन के बुमेन कैप्सूल के अंदर एंटर होगा, वो फिर बुमेन कैप्सूल के बाद किधर जाएगा, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में। यहाँ वो स्टेप होता है जब सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होगी, ठीक है, यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगी, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, यानी अगर हम नजर डालें इस प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या चीज नजर आएगी, आपको यहाँ पे देखें कैपिलरीज नजर आ रही हैं, सही। सो ये कैपिलरीज क्या कर रही होते हैं कि इसकी कह लें कि रीअब्सॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं, यानी जो फिल्ट्रेट रिसीव हुआ है उसमें से जो यूजफुल मटेरियल है उसे वो वापस ऑब्टेन करना शुरू कर देंगे, सही। सो यहाँ पे जो है वो सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, यानी क्या स्टार्ट होगा, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है, यानी यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेट आया, सही, प्रेशर फिल्ट्रेट कहाँ पे आया, ग्लोमेरुलस के जरिए बुमेन्स कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस से वो बुमेन्स कैप्सूल में इंटर हुआ, फिर ये फिल्ट्रेट जो है वो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन के स्टेप से गुजरेगा, ठीक। सो आगे जितने भी कह लें कि इसके पार्ट हैं नेफ्रॉन के, लाइक ये जो आगे लूप ऑफ हेनले है एंड आगे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, इन सब का एक ही काम रह जाएगा, दैट इज सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, सही। और यानी अगर हम फोर्थ स्टेप कहेंगे, फोर्थ में ये होगा फिल्ट्रेट विल पास थ्रू या फिल्ट्रेट विल एंटर, पास थ्रू कहां से पास करेगा, ये लूप ऑफ हेनले, ठीक है, हेनले में से पास करेगा, वहां पे भी क्या काम होगा, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, फिर फिल्ट्रेट विल पास थ्रू, पांचवा स्टेप हो जाएगा विल पास थ्रू, कहां से पास करेगा, नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, यानी ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है इसमें से पास करेगा फोर्थ पार्ट में से, ठीक है, और यहां पे भी इसका क्या काम होगा, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, यानी ये डिस्टल सॉरी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सही, और इसका भी क्या काम होगा, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, लूप ऑफ हेनले का क्या काम था, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का क्या काम था, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, सही। यानी अगर हम इसका लास्ट स्टेप बनाए ना, छठा स्टेप, छठा स्टेप में ये होगा कि ये जो फिल्ट्रेट है, सही, ये फिल्ट्रेट बल्कि नहीं लिखेंगे, इसे हम सिंपल यूरिन कह देंगे, हम क्या कहेंगे, यूरिन, ये बेसिकली फिल्ट्रेट ही था, ठीक है, लेकिन अब ये फिल्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिन में, सही, ये विल एंटर इनटू कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, यानी ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर इंटर हो जाएगी। सो अब फिल्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिन के अंदर, ठीक है, क्या फेजेस थे कि सबसे पहले जो फिल्ट्रेट है, अब ये फिल्ट्रेट भी थोड़ा आपने समझना होगा कि बेसिकली जो ब्लड था ये प्रेशर फिल्ट्रेट में कन्वर्ट होता, मतलब मैं इससे थोड़ा डिफरेंट साइंस इंटर कर रहा हूँ, मतलब जो ब्लड था ना इसमें से जो प्लाज्मा पार्ट होगा, ठीक है, ये बनाएगा प्रेशर फिल्ट्रेट, ठीक है, फिर प्रेशर फिल्ट्रेट जो सा वो इंटर होगा किस में, बुमेन्स कैप्सूल के अंदर, फिर बुमेन्स कैप्सूल से ये आगे जितने भी है यानी प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स हो जाएंगी या फिर लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले हो जाएगा या फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इन सब का एक फंक्शन है कि वो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन करेंगे, यानी इस फिल्ट्रेट में से जो यूजफुल प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, जो यूजफुल प्रोडक्ट्स होंगे, अब आप सोचेंगे जी यूजफुल प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मसन फिल्ट्रेट जो सा था वाज जस्ट लाइक ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, इसमें ब्लड प्लाज्मा होता है, क्योंकि जब ब्लड जो है ना, ये मैं यहां से अलग से बना देता हूँ, लाइक जब ब्लड
ये मतलब मैंने ग्लोमेरुलस बनाया है, ये इसके इर्द गिर्द रूम है, कैप्सूल है, ठीक है। तो जब ब्लड इसमें से वुमेन कैप्सूल में से पास ऑन होता है से, तो इसमें से जो प्लाज्मा वाला हिस्सा होता है वो इस वुमेन कैप्सूल के अंदर हो जाता है। मतलब ये जो ब्लैक कलर है, इट इज वुमेन, सॉरी वुमेन, ये वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। वुमेन्स कैप्सूल में जो चीज इंटर हो रही है वो बेसिकली प्लाज्मा होता है, ठीक है। इस प्लाज्मा को हम फिर क्या कहते थे, फिल्ट्रेट, ठीक है। ये ब्लड प्लाज्मा ही फिल्ट्रेट कहलाता था। अब इसमें यूजफुल पार्ट हो सकते हैं, मसलन क्या यूजफुल होंगे, मसलन शुगर्स हो सकती हैं, सही, शुगर्स हो सकते हैं, इसके अलावा साल्ट हो सकते हैं, बॉडी के लिए साल्ट की जरूरत होते हैं, ठीक है। आयंस हो सकते हैं, मुख्तलिफ आयंस और साल्ट के लिए बनी चीज है, इसके अलावा अमाइनो एसिड्स होते हैं, सही। तो ये चीजें दोबारा जो उनसे हैं कह लें कि रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। यानी जो सेकेंड स्टेप था उसके अंदर ये सारी चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, जबकि ब्लड के अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होंगे। वेस्ट प्रोडक्ट क्या होंगे, मसलन यूरिया होगा, यूरिक एसिड हो सकता है, ठीक है, एवन अमोनिया हो सकता है। सो अमोनिया जो है ये आगे जाके यूरिन बना लेंगे, ठीक है। इसके अंदर इनके साथ एक चीज और होती है जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये मिलके यूरिन फॉर्मेशन करेंगे। सो बेसिकली यही फिल्ट्रेट, इसका कुछ पार्ट यूरिन में चला जाता है और कुछ पार्ट इसका रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, सही। सो यानी ब्लड प्लाज्मा था जो फिल्ट्रेट बना, फिल्ट्रेट में से कुछ जो है वो रीअब्जॉर्ब, उसमें से कुछ हिस्सा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसमें हमने शुगर, आयन, साल्ट और इसमें वाटर भी आता है, सही। तो इसके अंदर एक चीज और आएगी, दैट इज वाटर। अगर वाटर एक्स्ट्रा नहीं है तो फिर वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सही। और बकाया जो से वेस्ट मटेरियल है वो आप क्या बना लेंगे, आगे जाके यूरिन बना लेंगे, ठीक है। और यूरिन फिर आगे ब्लेडर में ट्रांसफर कर दी जाती है, वो हम नेक्स्ट फेजेस के अंदर पढ़ेंगे। सो आज के लेक्चर के अंदर आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टडी किया, ठीक है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर हमें ये सारे पार्ट्स ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। ये इसकी एक कह लेंगे कलरफुल डायग्राम है, सही, जिसके अंदर आपको ये ग्लोमेरुलस, वुमेन्स कैप्सूल, डिस्टल कन्वेक्टिव ट्यूब्यूल सारी चीजें नजर आ रही हैं। और एक और चीज में मिस कर गया कि ये जो लूप ऑफ हेनले होती है ये इसके मेडोला रीजन में होती है, ठीक है। ये आपको रीजन भी वाजे नजर आएंगे, ठीक है। यानी ये कार्टेक्स का रीजन है, ये बीच में मेडोला का रीजन है। तो लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट जो हैं ये ज्यादातर मिडोला रीजन में पाए जाते हैं, सही। और जबकि कल्मिनेटरी ट्यूब्यूल जो सी हैं, मेन रीअब्जॉर्प्शन के जो स्टेप्स हैं वो सारे कॉर्टेक्स के रीजन में हो रहे होते हैं, ठीक है। ये किडनी की बात करें, हम किडनी के कॉर्टेक्स और मिडोला की बात कर रहे हैं, सही। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेफ्रॉन, ठीक है। ये आज हमने नेफ्रॉन का सारा स्ट्रक्चर ड्रा किया है, फिर उसका फंक्शन पढ़ा कि क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, सही। सो दैट वॉज ऑल अबाउट नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या, इट इज फंक्शनल, सॉरी, इस फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, याद रहेगा, फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। अब नेफ्रॉन के जल्दी जल्दी हम पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम चलें छठा पहले इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, कि छठा जो था ग्लोमेरुलस था। ग्लोमेरुलस से क्या था कि जो ब्लड था वो फिल्ट्रेट बना लेता है, ठीक है। क्या बना लेगा, फिल्ट्रेट, वुमेन्स कैप्सूल करना, ये फिल्ट्रेट फिर आगे प्रोक्सिमल कन्वर्टेटिव ट्यूब्स में से पास करेगा, फिर लूप ऑफ हेनले यानी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कन्वर्टेटिव ट्यूब्स में से पास करेगा, लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, सही। सो ये जो फिल्ट्रेट है आया था वहां पर, जब ये कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेगा इस टाइम ये क्या बन चुका होगा, यूरिन, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट जो बेसिकली चीज इकट्ठी करेगी वो यूरिन होगी। और ये बीच में सारा प्रोसेस जो है यानी ब्लड से जो फिल्ट्रेट बना, यहाँ पे जो प्रोसेस था इसे हम कहते हैं, मसलन मैं यहाँ पे ये वाला कलर, जो ब्लड से फिल्ट्रेट जो बना इसे हम कहेंगे प्रेशर फिल्ट्रेशन, सही। और फिर फिल्ट्रेट से जो यूरिन बन रहा है इसके अंदर कौन सा स्टेप आ रहा है, डेट इज सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसके अंदर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन आ रही है, सही। कि पहला स्टेप हो गया प्रेशर फिल्ट्रेशन, के जिसके जरिए जो ब्लड था उसका प्लाज्मा वाला हिस्सा फिल्ट्रेट बना, वुमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर हुआ, ठीक
और फिर यानी ये वुमेंस कैप्सूल का ब्लड आया ग्लोमेरुलस के अंदर, प्रेशर फिल्ट्रेशन हुई वुमेंस कैप्सूल के अंदर, फिल्ट्रेट बनेगा, फिर उसकी सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होगी इन सब प्रोक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल से, लोपोफाइनल से, डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल में, और जब वो लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में उतरेगा ठीक है, वो यूरिन बन चुका होगा सही। सो ये सारा किसका पार्ट है, किसका फंक्शन है, नेफ्रॉन का ठीक है। अब ये जो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो रही होती है ना, इसमें ये कैपिलरीज कर रही होती हैं ठीक है, ये सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन जो होती है वो सारी की सारी कैपिलरीज इन्वॉल्व होती हैं इसमें ठीक है। ये कैपिलरीज होती है जो इनके इर्द गिर्द फैली हुई होती हैं, और इनमें से एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट और यूजफुल मटेरियल, अमीनो एसिड वगैरह, शुगर्स वगैरह, ये वापस कह लें कि इसमें से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने चीजें लिखी थी सारी। सो फिल्ट्रेट है जो कि ब्लड प्लाज्मा था, उसमें से जो शुगर सॉल्ट आयंस और अमीनो एसिड्स वगैरह होंगे ये रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, जबकि इसमें से यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, एक्स्ट्रा वाटर और जो भी वेस्ट मटेरियल है ठीक है, वो इसमें से यूरिन में से रिलीज आउट हो जाएंगे। सो ये था बेसिक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का। इसे किडनी में से हमने अलग किया था, और किडनी जो सा था उसका भी हमने पार्ट्स पढ़े सही। और शुरू में हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। तो अब हमें आइडिया हो गया कि किस तरह ब्लड में से यूरिन बनती है, यानी जो रीनल आर्टरी है, ये रीनल आर्टरी ये ब्लड लेके आती है, रीनल आर्टरी यानी ये ब्लड किडनी की तरफ लेके आएगी, किडनी के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं जो किसके फंक्शन। अच्छा नेफ्रॉन एक कोई सेल नहीं है, आप इसे समझें कि एक सेल है, नहीं, बेसिकली ये थाउजेंड ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसका काम क्या होता है, यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होती है, या जिसे हम कह सकते हैं कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ठीक है। सिंगल स्टेप में हम कहेंगे ना, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, कि इसने बेसिकली क्या किया कि ब्लड को फिल्टर किया सही। सो इसके अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं जिसके कह रहे हैं कि प्रेशर, पहले प्रेशर फिल्ट्रेट बनता है जिसको फिर सिलेक्टिव रीअब्सॉर्ब किया जाता है, और फिर वो यूरिन के जरिए ठीक है, यानी जो फिल्ट्रेट है फिर यूरिन के जरिए यहाँ नीचे आएगा और बाहर एक्सक्रीट आउट आ जाएगा ठीक है। यानी ब्लेडर में थोड़ी देर स्टोर रहता है, ब्लेडर थोड़ी देर इसे स्टोर कर सकता है ठीक है, और फिर उसके बाद वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम जो कि ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं सही। ब्लड सारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करते हैं और फिर वो किडनी में लाते हैं, और किडनी से कह लेंगे एक्सक्रीशन के अंदर एक्सक्रीट कर देगा। इसके अलावा एक अंदाजे के मुताबिक जो किडनीज का वेट है ना, ये 1% ऑफ द बॉडी है ठीक है, यानी किडनीज आर ओनली लेस देन 1% होते हैं, बल्कि 1% भी कंप्लीट नहीं होते, दे आर लेस देन 1% ऑफ बॉडी इनका जो सब वेट है सही। और इसके अलावा इसके अंदर 20% ब्लड होगा ठीक है, 1% ऑफ बॉडी वेट है सही, और रीनल आर्टरी जिनके पास ब्लड लेके आएगा वो 20% ब्लड इनके अंदर मौजूद होगा। तो ये कुछ चीजें हैं अंदाजे के मुताबिक जो मालूम की गई है सही है, यानी हर बीट के साथ 20% ब्लड जो है वो किडनीज को सप्लाई किया जाएगा। और फिर इसके अंदर आपको सारे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे थे जो हमने बात की, लाइक इसमें कॉर्टेक्स होगा, मेड्योला होगा, और रीनल आर्टरी जो ब्लड लेके आ रही थी, इस तरह रीनल वेन होते जो ब्लड वापस लेके जाती है सही, और पेल्विस होगा जो कि यूरिन को कलेक्ट करेगा, कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट से जो अभी हमने पढ़ लिया सही। तो क्या नेफ्रॉन के पार्ट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, कि इसमें हमने वुमेंस कैप्सूल पढ़ा ठीक है, इसे रीनल कैप्सूल कहा हुआ है इन्होंने कट करके दिखाया हुआ है, या वुमेंस कैप्सूल भी कहा जाता है इसे सही। प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स देखे हमने, उसके बाद ये लूप फैलने स्टार्ट होगी, नेफ्रॉन लूप का नाम दिया हुआ इसके अंदर, डिसेंडिंग लिम्ब है, फिर असेंडिंग लिम्ब है, और फिर कलेक्टिंग डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स आएंगी ठीक है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स के बाद कलेक्टिंग डक्ट होगी, कलेक्टिंग डक्ट तक ये यूरिन बन चुकी होगी ठीक है, और ये कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके एंटर होंगे किसके अंदर, रीनल पेल्विस के अंदर, जैसे पैपिला कहा हुआ है बेसिकली रीनल, या पैपिला कार्ड में पेल्विस ले जाएगा, पेल्विस इससे यूरिटर में ले जाएंगी, यूरिटर से यूरिनरी ब्लेडर में जाएगा, ये ब्लेडर से ये यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से ये बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट बाहर आ जाएगा सही। सो ये हो गया हमारा यूरिनरी सिस्टम्स का कुछ इंट्रोडक्शन। कल या अगले लेक्चर के अंदर हम मजीद इसके कुछ फेजेस पढ़ेंगे, ये किस तरह प्रोसेस कवर होता है, यानी यूरिन फॉर्मेशन के अंदर कुछ और चीजें भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे।